तो भाई लोग कैसे हो? तो स्वागत है आपका एक और गेम प्ले वीडियो में, जिसमें मैं बीच बीच में वॉइस ओवर करके आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा जहाँ पे ज़रूरत होगी। ठीक है, तो अभी हम आए हैं नोवो में, तो एक और स्क्वाड आती है हमारे साथ, तो पहले उन्हें पहलते हैं फिर आगे बात करते हैं। भाई तो यहाँ पे कितने सेकंड में, लगभग 10 या 12 सेकंड में एक पूरी स्क्वाड खत्म हो गई। ठीक है, मेरे टीममेट्स ने भी एक दो बंदे मारे और स्क्वाड खत्म भाई, पूरी की पूरी। तो अगर आप लेट लैंड कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे मत करो जहाँ पे बंदे ऑलरेडी उतर चुके हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें दिख तो गया होगा कि भाई हम आ चुके हैं यहाँ पे, उन्होंने जानबूझ के गन फाइट ली। तो यहाँ पे बस लक के ऊपर बात आ जाती है कि कौन लकी होता है ज़्यादा और किसे गन मिल जाती है। इस टाइम हमें गन मिल गई थी और उन लोगों को निहत्ते मरना पड़ा। ठीक है, तो अगर आप लेट आ रहे हो, आपको लक दिख रहा है कि बंदे ऑलरेडी उतर चुके हैं, तो वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ बस एक ही चीज़ मिलेगी आपको, वो है मौत। मे भी घरों पे एनिमीज अहेड। तो यहाँ पे नोटिस करना कि मैंने अपने 8x को 4x में कन्वर्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि बंदे यहीं आसपास हैं, घर पर ही हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं 8x का रिकॉइल क्यों कंट्रोल करूँ भाई, है ना? इसलिए वो जो कन्वर्ट फीचर है यार, बहुत सही फीचर है, उसे यूज़ करना। ठीक है, डिस्टेंस के हिसाब से, क्योंकि उससे बहुत फ़र्क पड़ता है आपकी एमिंग में और रिकॉइल में। ठीक है, तो अगर बंदे दूर नहीं हैं, पास में ही हैं, तो स्कोप को छोटा बना लो फिर यूज़ करो भाई। नीड हेल्प, मेरे पे रश। केस टू एक बंदा तेरे पास आ रहा है यहाँ पे। अबे तो यहाँ पे वो बंदा सिर्फ और सिर्फ मेरे टीममेट पे ध्यान दे रहा था। ठीक है, वो मेरे टीममेट से तो सेफ था, ठीक है, दीवार के पीछे, पर उसे ये नहीं पता था, या पता भी होगा कि नहीं मुझे नहीं आइडिया है, कि मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ अभी तक। ठीक है, तो देखो स्क्वाड खेल रहे हो ना, तो एक बंदा तो आएगा नहीं अकेले आपको मारने। ठीक है, चार बंदे आएंगे मिलके, घेर के पेलेंगे। तो देखो ऐसी जगह पर रहना जहाँ से कवर हो। ठीक है, वो बिल्कुल खुले में आया, जिसका कोई तुक नहीं बन रहा था भाई। नाइस किल स्टील। नहीं, वो कूद गया। तो यहाँ पे दो स्क्वाड जो नोवो आई थी, उन्हें हमने लॉबी भेज दिया है वापस, है ना? लॉबी में अभी बातें बना रहे होंगे वो लोग। खैर, तो अब हम किल के लिए वहाँ पे जाएंगे जहाँ जहाँ पे फ्लेयर चल रही है। ठीक है, और वहाँ पे जाके रश करेंगे भाई। मार दिया और फायरिंग स्टॉप कर दी थी। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद मैंने देखा कि भैया फ्लेयर खुले में हुई है, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है एनिमी टीम की तरफ से। क्यों? अब क्या होगा? अब उन्हें कोई आइडिया ही नहीं होगा कि भाई किस तरफ से बंदे आएंगे, तो हमें किस तरफ कवर लेना होगा। बिल्कुल खुले में कंटेनर्स है मानता हूँ, पर मतलब कंटेनर कंटेनर है भाई, घर का कवर बिल्कुल अलग होता है कंटेनर से कंपेयर्ड। ठीक है, तो अब उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि भाई हम किस तरफ से आएंगे, हम किसी भी तरफ से आ सकते हैं। तो जब वो अब लूटेंगे, तब हम अटैक करेंगे उन पर भाई। बिल्कुल तो ये लो भैया पहला एग्जाम्पल। ठीक है, अब उस बंदे को क्या कोई आइडिया नहीं था कि हम किस साइड से आएंगे। ठीक है, और उसे कोई पता नहीं था कि किस साइड से कवर लूँ मैं। क्यों? क्योंकि फ्लेयर खुले में है भाई, उसे लगा होगा कि भाई ब्रिज से कोई बंदा आएगा, इसलिए थोड़ा इस साइड आ जाता हूँ। ठीक है, पर हम तो इस साइड से आ गए ना भाई, हो गई ना गड़बड़ फ्लेयर खुले में चलाने से। और अब बस इसके बाकी टीममेट पेलते हैं ज़रा। ड्रॉप पे देख लेना, ड्रॉप पे और होंगे।
तो ये लो भैया, इन्हें तो घेर के पेल दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। उस साइड से मेरा टीममेट आया, इस साइड से मैं आया, अब कहाँ पे कवर लेगा बंदा, बताओ यार। ऐसी खुली जगह में फ्लेयर वगैरह मंगा रखी है, बिल्कुल ओपन ही ओपन है भाई हर तरफ से, कहाँ पे कवर लोगे तुम? ठीक है, तो मेरा कहना यही है, फ्लेयर वहाँ पे चलाओ जहाँ पे आपके पास ढंग का कवर हो, या आपको पता हो कि भाई इसी ही साइड से बंदे आएंगे हमें पेलने के लिए, हमारा फ्लेयर टपाने के लिए। ठीक है, कवर लेके चलाओ भाई फ्लेयर, बिल्कुल। आ गया। तो ये लो, इनकी टीम का आखिरी अजूबा भी आ गया है ना भाई, कहीं सैर पे गए थे, यहाँ बंदों ने फ्लेयर चला रखी है अपने बंदों ने भाई, सैर सपाटा करने के लिए निकल रखे है ना, कवर नाम की कोई चीज़ दी नहीं इन्होंने, बाद में अकेले आए और पेल दिए गए तीन बंदों से। तो भैया, और फ्लेयर के साथ देखो, बंदे आएंगे ही आएंगे फ्लेयर में, आजकल आते ही हैं, ठीक है। तो अपने टीममेट को इकट्ठा करो, ढंग की जगह पे फ्लेयर चलाओ और तब लूटने की कोशिश करो, और ऐसे मतलब आपको एडवांटेज रहेगा कि अगर बंदों ने रश किया आप पे तो भी। पीछे वाला स्क्वाड हाउस, अबे बंदा सामने, अबे पीछे सोम, यहाँ पे बंदे भाग रहे हैं, किसी यहीं सामने है। एनिमीज अहेड, अभी इसके अंदर पहुंचो। अब यहाँ पे दो स्क्वाड पहले से ही लड़ रही थी और हम थर्ड पार्टी करने आए हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी के बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, वो किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। तो अभी यहाँ पे दो स्क्वाड ऑलरेडी लड़ रही है, और अब हम उनमें से जो भी बचा होगा उन्हें पे लेंगे भाई। इस पे एंट्री दो बंदे, गेट इन द कार, अब यहाँ पे मेरा एक टीममेट अकेला चला गया था, ठीक है। कील की भूख लगी थी भाई को, तो भाई अकेले आ गए कील लेने के लिए, ठीक है। पर उल्टा हो गया यहाँ पे, उनकी किसी ने कील ले ली। और देखो, जब भी रश कर रहे हो ना, घर के अंदर घुस रहे हो, तो फायरिंग रोकना मत, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे प्री फायर करते हुए आया भाई, लगेगी तो लगेगी, नहीं लगेगी तो भी कोई बात नहीं। बस हाँ, इतना ख्याल रखना कि आपके गन में एक्सटेंडेड मैग लगा हुआ हो, नहीं तो 30 गोली भाई ख़त्म हो जाती है और फिर आप रिलोड में फंस जाओगे बंदों के सामने, ठीक है। तो वो देख लेना भाई लोग, बस। एक और, हाँ हाँ लेटा हुआ है मेरे सामने ही। एक्सलेंट वर्क, ऐसे भी फाइट ही ले रहा है। कहाँ पे? मारना ब्रो, enemies ahead, आ जाना सर।
से कोई शॉट दे रहा था या फिर वो किसी को मार रहा था, नॉट श्योर. इसीलिए यहाँ कोई मेरे मेरे ऊपर एक और सॉरी हैड टू डू इट. तूने एक बार वहां पे स्कोप कर. एनिमीज अहेड. अब यहाँ पे दो बंदे बाकी हैं जो कि एनाकोंडा कोबरा सब कुछ बन चुके होंगे, ठीक है. घास को उन्होंने अपना घर बना चुका होगा अभी तक, ठीक है. सर्कल काफ़ी बड़ा है पर कोई बात नहीं भाई, टैलेंटेड बंदे होंगे. तो अब बस उन्हें ढूंढने की नाकाम कोशिश करूँगा थोड़ी देर के लिए, उसके बाद जैसे ही मिलते हैं उनका जहर निकालने की कोशिश होगी फिर भाई. सामने पत्थर पे कोई है क्या? Enemies ahead. वहां पीछे वो तो अरे गाड़ी एक ही है ये दिस उसने देख लिया. दूसरे को संभालता हूँ. सामने रेड एनिमीज अहेड. अबे नहीं 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 पेड़ ये पेड़ एनिमीज अहेड. दिखा नहीं है, मैं बस कैसे कर रहा हूँ. नहीं एडवांटेज है जूम. नाइस बॉय. ये वाला कौन था मैं श्योर नहीं हूँ. हाँ सर मेरे सामने लेटा है. एनिमीज अहेड. आ गया मेरे पास आ रहा है. तो भैया इस बंदे की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है. मेरे साथ जिंदगी में शायद पहली बार हुआ है यहाँ पे कि कोई सांप उठ के हमला करने लग गया भाई, पहली बार मेरे साथ हुआ है ये. तो बस यहाँ पे मैं देख रहा था, गोली नहीं चला रहा था क्योंकि मुझे खुशी सी हो रही थी भाई कि चलो कम से कम बंदा खड़े होकर लड़ने तो आया, ठीक है. जब उसे पता चल गया कि स्पॉट हो चुका है वो, नहीं तो सांप लेटे ही रहते हैं और फिर बोरिंग सी एंडिंग होती है. पर यहाँ पे फिर उन्होंने मतलब गोली चलाने शुरू कर दी भाई, दबा दब, तो ख़त्म करना पड़ा उन्हें. तो बस भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही. बहुत बहुत शुक्रिया यार वीडियो देखने के लिए. बाय बाय.